भिलाई 314 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न संचार क्रांति के जनक स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित कर सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। महापौर निर्मल कोसरे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कांग्रेस जनों के साथ नेत्रहीन स्कूल में जाकर बच्चों को फल एवं बिस्किट का वितरण किया। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में दक्षिण वसुंधरा नगर भिलाई 3 में मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित महापौर निर्मल कोसरे सहित कांग्रेस के नेताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। महापौर ने कहा कि राजीव गांधी आधुनिक भारत के अग्रणी नेता थे। आज भले ही वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका विजन सभी को प्रेरणा देता है। उन्होंने देश में कंप्यूटर की शुरुआत कर विकास को गति दी। किसानों को लेकर उनकी सोच हमेशा सकारात्मक रही थी। उन्होंने देश की आत्मनिर्भरता के लिए किसानों की मजबूती पर जोर दिया था। आज उनकी सोच और बताए गए रास्ते पर चलकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लागू योजनाओं से प्रदेश के किसान आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। महापौर के उद्बोधन के बाद महापौर निर्मल कोसरे अपनी टीम के साथ शांतिनगर भिलाई 3 में स्थित दिव्य ज्योति निःशुल्क नेत्रहीन आवासीय विद्यालय पहुँचे। यहाँ पर नेत्रहीन छात्र छात्राओं को फल और बिस्किट वितरण किया। साथ ही वहां की प्राचार्य को महापौर द्वारा आवश्यकता के अनुसार सहयोग का आश्वासन भी दिया गया। इस अवसर पर निगम के MIC सदस्य सहित वरिष्ठ कांग्रेसगण एवं कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।